वार्मिंग की वजह से है और इसे ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्थितियां बदतर होती चली जाएंगी। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के अनेक कारण हैं, पर उनमें से एक कारण नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना है, जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल। दुनिया आधुनिक हो रही है, सभी चीजें डिजिटल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी निर्भरता बढ़ गई है और इस बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को पूरा करने के लिए कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हम इंसानों के पास कुछ ऐसा है जो कि हमें सारी परेशानियों से दूर कर सकता है और हमें बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है। सोलर पैनल्स। जी हाँ, सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ना ही अपने पैसे बचाते हैं बल्कि इस दुनिया को भी बचाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। पर आज हम सोलर पैनल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, परंतु बात करेंगे उस सिद्धांत के बारे में जिसके चलते ये काम करता है। तो आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, एकदम डिटेल में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये जानने के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं और थोड़ा बहुत इसके पीछे का इतिहास भी। हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर जो आप नहीं जानते तो हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, जान जाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री तो होते हैं पर कभी भी मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उन्हें बांधे रखती है। पर अगर जो उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से बाहर निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी की जरूरत होगी कि वह अट्रैक्टिव फोर्स को पार पा ले, तभी कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल पाएगा। तो जो मिनिमम एनर्जी जिसके बदौलत इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल पाएगा उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा इस वर्क फंक्शन को, क्योंकि यह आगे काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगता है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं, और इस वर्क फंक्शन को फाई नॉट से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी होता है जो कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मिलता है। जिन्हें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता उनको मैं बता दूं, हम लोग वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें करंट और वोल्टेज में अंतर समझ में नहीं आता है, तो मैं उनका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। वोल्टेज वह फोर्स है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और करंट तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बस इतना ही दिमाग में रखिएगा, सब क्लियर रहेगा। तो जो वर्क फंक्शन है वह प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शन को मेनली तीन तरह से अचीव किया जा सकता है। तो पहला तरीका है मेटल को हीट करने से। अगर आप मेटल को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिल जाता है कि वह मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। दूसरा, मेटल को स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से। और तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो जब हम किसी मेटल पे सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट छोड़ते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाता है। कितना फ्रीक्वेंसी, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का खोज सबसे पहले 1887 में हेनरिच हर्ज ने किया था, जब वे स्पार्क डिस्चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब इमिटर प्लेट पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ा तो स्पार्क डिस्चार्ज और थोड़ा तेज हो गया। उन्होंने पाया कि मेटल सरफेस पे लाइट पड़ने पे और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल पा रहा था। तो इससे ये पता चला कि मेटल सरफेस पे लाइट पड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लाइट से इतना एनर्जी ले पा रहे थे कि वह मेटल सरफेस को स्किप कर सके। उसके बाद 1886 से 1902 के बीच विलियम हॉलवर्ट्स और फिलिप लेनार्ड ने हेनरिच हर्ट के खोज की तफ्तीश की और पाया कि सर्किट में तब तक करंट फ्लो कर रहा है जब तक कि इमीटर प्लेट पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, और जैसे ही लाइट पड़ना बंद हो जाता है तो करंट भी रुक जाता है।
तो इससे ये पता चलता है कि इमीटर प्लेट पे जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इमीटर प्लेट से निकलते हैं और कलेक्टर प्लेट की ओर खींच लिए जाते हैं और इसी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। तो अब तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जितने भी स्टडी और एक्सपेरिमेंट हुए उन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के आधार पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 लॉज दिए गए। तो पहला लॉ के अनुसार फोटोइलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से तभी बाहर निकलते हैं जब इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर या फिर उससे ज्यादा न हो जाए। अब जिन्हें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ही कम फ्रीक्वेंसी होता है और इंटेंसिटी लाइट या फिर रेडिएशन की तीव्रता को कहते हैं। अगर टेक्निकल टर्म में कहें तो पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी डिस्टेंस बढ़ने से घटता है और फ्रीक्वेंसी को डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे लॉ के अनुसार 1 सेकंड में कितना फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वह इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलता है। तो अब आप इस तरह से समझ सकते हैं, लाइट का फ्रीक्वेंसी लाइट के नेचर को शो करता है कि लाइट कैसा है, रेड, ब्लू, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव, किस तरह का लाइट है। पर इंटेंसिटी नेचर को नहीं शो करता है, इंटेंसिटी बस लाइट के तीव्रता को शो करता है। आई होप अब थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अब तीसरा और अंतिम लॉ को देखते हैं। तो जो तीसरा लॉ है उसके अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो अब इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैं इसे भी आसान भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ जो मैक्सिमम एनर्जी है वह इलेक्ट्रॉन का वो एनर्जी है जिसपे वह एस्केप कर पाएगा सरफेस को। तो अब देखिए, हर मेटल का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ अलग अलग होता है, जितना ज्यादा पकड़ होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर हमारे आइंस्टाइन जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो बात है 1905 की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक विचार प्रस्तुत किया कि लाइट ना ही वेव है और ना ही पार्टिकल, ये दोनों का मिला जुला हुआ रूप है जिसे क्वांटा कहते हैं और उसी को उन्होंने फोटोन भी नाम दिया। तो क्वांटा और फोटोन में ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, फोटोन विजुअल लाइट का क्वांटा होता है, मतलब फोटोन विजुअल लाइट का क्वांटा का दूसरा नाम है। तो क्वांटा जो है छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि होता तो वेव का बना हुआ है पर पार्टिकल जैसा एक्ट करता है। अब उस फोटोन का जो एनर्जी है वह उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ एच होता है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर रेडिएशन। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻³। तो जब लाइट को मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाया जाता है तो लाइट के फोटोन्स इन इलेक्ट्रॉन्स से इंटरैक्ट करते हैं। अगर फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के बराबर या फिर उससे ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से कम होता है तो उसे एब्जॉर्ब नहीं करता। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को काम करने के लिए इंसिडेंट लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेंगे। तो अब आप जान चुके हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए द टेक फर्म्स ने कहा था। आपको भी अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने का। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।